हजरत शहनशाह दुले बाबा यांचा संदल रविवारी भावभक्तीच्या वातावरणात संपन्न झाला. संदल निमित्तानं गेली 3 दिवस विविध धार्मिक कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं होतं. हजरत शहनशाह दुले बाबा ट्रस्ट बॉम्बे कादरी फ्रेंड सर्कल 9 जवानांनं बागवानपुरा इथे ईशाचा नमाज अर्थात रात्रीच्या सुमारास हजरत शहनशाह दुले बाबा यांचा संदल संपन्न झाला. तत्पूर्वी मुफ्ती नाना पारा यांचे वंशज हजरत महमूद रजा तसंच मौलाना वासिक रजा यांच्या उपस्थितीमध्ये संदल शरीफचा जुलूस काढण्यात आला होता. बागवानपुरा येथून आझाद चौक चौक मंडई वडा नाका मार्गे बागवानपुरापर्यंत जुलूस काढून समारोप करण्यात आला. जो दरगाह हजरत शहनशाह दुले रहमतुल्लाह अलैह की उनका उर्स था और 3 दिन से मोहल्ले में प्रोग्राम चालू है. दरगाह शरीफ के अंदर हल्के जिक्र का प्रोग्राम हुआ और जो दरगाह के बाहर जो हमारा गली है उसके अंदर इज्तिमा रखा गया था और 3 दिन से सरकार की उर्स के मौके पे 3 दिन से प्रोग्राम चालू है. जैसा कि आज मेन तारीख थी 17 तारीख उर्दू की और 11 तारीख दिसंबर की. आज सरकार का हमने उर्स था मेन और उर्स मनाए और मुफ्ती नानपारा जो रजब अली शाह कादरी साहब है जो पीरो मुर्शिद है उनके साहबजादे महमूद भैया ही जुलूस की निगरान जुलूस के अंदर महमूद भैया की कयादत में जुलूस निकाले थे और हमारे कादरी मस्जिद के इमाम मौलाना वासिक रजा साहब और बड़ी मस्जिद के इमाम मुफ्ती अतीक रजा साहब इन दोनों हजरात की कयादत में और मुफ्ती नानपारा के लड़के महमूद भैया इन तीनों की कयादत में बागवानपुरा से जुलूस निकाला गया. बागवानपुरा आजाद चौक चौक मंडी कसईवाड़ा मार के वापिस सरकार के आस्थाने पर जुलूस लाया गया और इधर दुआ हुई देश के अमन शांति के लिए दुआ हुई. वालेकुम. आज 17 जमादिउल अव्वल हजरत शहनशाह दुले रहमतुल्लाह अलैह जो कि हजरत सदरुद्दीन बादशाह सैयद पिपरी के शहजादे हैं हर साल की तरह इस साल भी इनका जो उर्स मुबारक है बड़ी ही अजमत और शान से मनाया गया. अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन से उर्स की तकारीब शुरू थी जिसमें महफिल खत्म कादरिया का प्रोग्राम भी हुआ और वाज वगैरह का भी प्रोग्राम हुआ और आज जो इनकी मेन शब है 17 जमादिउल अव्वल इसमें हजरत मुफ्ती नानपारा रजब अली शाह कादरी रहमतुल्लाह ताला के शहजादे महमूद भैया साहब इनकी क़यादत में जुलूस निकाला गया और हजरत वासी रजा साहब और हजरत मौलाना अतीक जो कि बड़ी मस्जिद के पेशे इमाम है उन्होंने कुरान शरीफ की किरात की और दुआ की गई और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 3 दिन से हर जाति धर्म के लोग आते हैं और आ भी रहे हैं और हजरत के फैज व बरकत से मालामाल हो रहे हैं. 3 दिवस विविध धार्मिक कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं होतं. याच निमित्तानं बुधवारी 15 तारखेला महाप्रसादाचं कार्यक्रम होणार आहे. त्याचा लाभ घ्यावा असं आवाहन आझम खान मजर खान गुड्डू शेख शेरखान पठाण आरिफ सय्यद सलीम शाह असलम खान तबरे शेख अबीद सय्यद मोबिन सय्यद सादिक सय्यद जुनेद खान यांनी केला आहे. गुड्डू शेख दिशानुज नाशिक.